इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नाम से थोड़ा सा थोड़ा अपरिचित होंगे तुम लोग। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो समझ लो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाता है पहले वो समझाओ। जब कोई भी ऐसी कंपनी जो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर पहुंच गई, कंपनी ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होने के कगार पर है, तो उस बंद होने वाली कंपनी में एक लास्ट उम्मीद की किरण जो होती है ना, वो दो चीजें की होती है रिकंस्ट्रक्शन। मतलब अगर कंपनी को कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली बताओ लॉस मेकिंग कंपनी कौन चलाएगा, कोई नहीं। तो लॉस मेकिंग कंपनी का सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव रहता है, या तो मैं बिजनेस बंद कर दूं, या तो इस कंपनी के अंदर एक जान झोंक दूं। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीका है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने ही कंपनी के लोगों से बातचीत करके अपने ही कंपनी के बैलेंस शीट में मेजर चेंजेस करते हो, उसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जिसका एडवांटेज ये होता है कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी कंपनी के जो असेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट है वो बेटर हो जाता है, और वो जो लॉस मेकिंग का स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होके एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी हमें लोन लेना पड़े तो ऑब्वियसली हमें लोन मिलना चाहिए। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन मकसद बताता हूं कि पहला, एट व्हाट स्टेज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, कौन से स्टेज पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले जब किसी भी कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी होती है, जब कोई भी ऐसी कंपनी जिसे लगातार क्या हो रहा है लॉस, या जिस कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज में को ओवर वैल्यूड किया गया है, क्या किया गया है ओवर वैल्यूड, ज्यादा दिखाया गया है, या ऐसी कंपनी जिसके अंदर इंटेंजिबल असेट्स, कौन से असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स या फिक्टिशियस असेट्स ने अपना दावा बोल दिया, मतलब बहुत ज्यादा हो गए इंटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, क्या हो गए बहुत ज्यादा हो जाए। इन सभी चीजों के वजह से कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, कंपनी की कौन सी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, वीक हो जाती है, क्या हो जाती है वीक, अंडरस्टूड, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है वीक। अच्छा, अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर वीक हो जाती है और वो कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो कंपनी करेगी क्या, शेयर इशू करेगी। शेयर इश्यू करने का मतलब शेयर बेचेगा, बदले में पैसा लेगा। लेकिन मुझे बताओ कोई भी इन्वेस्टर किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अगर मैं बोलूं मैं पिछले 12 सालों से लॉस में जा रहा हूं और आओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, कौन लगाएगा, कोई नहीं, क्यों, लॉस मेकिंग कंपनी है। चलो ठीक है, मैं डिबेंचर होल्डर के पास जा रहा हूं, लगातार लॉस हो रहा है, डिबेंचर होल्डर बोला इसको तो लॉस हो रहा है तो मैं इस कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं। मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला मुझे लोन चाहिए, वो उसने कंपनी की बैलेंस शीट उठाई और उसने देखा कि अरे कंपनी को तो लॉस हो रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, मतलब कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, तो मैं इस कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी को लोन क्यों दूंगा, क्योंकि मेरा लोन डूबने के चांसेस है। तो इन दैट केस कंपनी को किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाला नहीं है। इन दैट केस कंपनी के पास से ऑप्शंस बचे होते हैं, या तो वो कंपनी को बंद कर दे, या तो वो कंपनी के अंदर एक सर्वाइवल चांस दे दे, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, तो इसके बाद कंपनी के पास सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला, या तो वो कंपनी को वाइंड अप कर दे, वाइंड अप मतलब शट डाउन कर दे, है ना। और अगर कंपनी को शट डाउन करना है तो उसके लिए आपको लिक्विडेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक अलग से पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर है,
कंपनी को बंद कर दो, कंपनी को बंद कर दिया तो सबका पैसा लौटाना भी पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको कंपनी को शटडाउन करना, शटडाउन करने के लिए आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अकाउंटिंग टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करना है और आपके जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको सब बेचवाज कर आपको सारा अकाउंट सेटल करके मार्केट से निकल जाना है। या तो आप क्या करोगे, कंपनी को सर्वाइवल की पोजीशन में लाने की कोशिश करोगे, सर्वाइवल। इन दैट केस सर्वाइवल में सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करोगे या तो आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करोगे, समझे। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी के पास देर आर थ्री ऑप्शंस। एक होता है बेटा अमालगमेशन, सुना नाम होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी। एक होता है एब्जॉर्प्शन, यानी हम किसी और कंपनी के साथ मिल जाए, या तो हम किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, मर्जर। कोई देखो, एक कंपनी है, दो कंपनी है, ए और बी दोनों ने मिलकर ए बी कंपनी बनाया, अमालगमेशन। हम किसी और कंपनी के साथ जुड़ जाए, मर्जर। या कोई दूसरी कंपनी हमारी लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर कर ले, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब कभी देखो, इतनी मेहनत से मैंने बिजनेस खड़ा किया, लॉस में जा रहा हूं, तो मैं अपने ईमान को कैसे बेचूं? तो मैं चाहता हूं यार, मैं मेरे बिजनेस को किसी को टेक ओवर करने नहीं दूं, या मैं किसी और कंपनी के साथ मर्ज नहीं हूं। तो इन दैट केस मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। क्या कोशिश? मैं कंपनी के अंदर एक जान झोंकने की कोशिश करना चाहता हूं। तो इन दैट केस मैं बुलाऊंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए मुझे दो लोगों की परमिशन लगी। कितने लोगों के? दो। सबसे पहले मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी मदद? सेंट्रल गवर्नमेंट और या एंड बोल सकते हैं टर्ब कोर्ट, कोर्ट सुना ना, कोर्ट, कोर्ट मतलब क्या बोलते अपना के जान लड़ते हैं, ट्राइब्यूनल कोर्ट बोलते हैं, के जो बिजनेस फर्म्स होते हैं ना, बिजनेस फर्म्स, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसको ट्राइब्यूनल कोर्ट में डाला जाता है, ट्राइब्यूनल। अंडरस्टूड? बिजनेस रिलेटेड जितने भी केस, जैसे हम लोग का घर से रिलेटेड कोई केस रहेगा तो वो कहाँ पे जाता है? घरेलू कोर्ट में जाता है, ऐसा सब जाता है ना, छोटे छोटे केसेस में आता है। क्रिमिनल वाले के लिए अलग से कोर्ट है, तो हम लोग ने क्या किया, डोमेस्टिक कोर्ट रहता है अलग अलग। वैसे अगर ट्राइब्यूनल कोर्ट के अंदर सारे के सारे बिजनेस फॉर्म्स के मैटर्स आते हैं, यहाँ पर हमको परमिशन लेनी पड़ती है कि हम कंपनी के अंदर क्या करना चाहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है पहले वो समझो। अगर आपको कंपनी के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो आपको तीन लोगों को, कितने लोगों को? तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। कितने चीजें? तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले कौन कौन से चेंजेस है पहले देखते हैं। चेंजेस इन राइट्स, क्या बोला बेटा? चेंजेस इन राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार। तीन इंपॉर्टेंट लोगों के अधिकारों को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है शेयर होल्डर्स का, क्योंकि हमारे कंपनी के मालिक कौन होते हैं? अब बेटा ये शेयर होल्डर का मतलब, मेरा कहने का मतलब इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। हम बुलाएंगे, अभी कंपनी को परमिशन मिल गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करने के, तो हम क्या करेंगे वाले? मैंने एक मीटिंग बुलाया, सारे शेयर होल्डर को बुलाया और उसको बोला देखो हमारी कंपनी को पिछले 12 सालों से लगातार लॉस हो रहा है और हम नहीं चाहते कि आपका पैसा डूबे, लेकिन हम आपको डिविडेंड भी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बोलते हैं ना, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे कि आपने हमारी कंपनी के ऊपर अभी भी भरोसा बनाया हुआ है, लेकिन हम आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, एक्वायर्ड हो जाए, या किसी कोई और कंपनी हमें एब्जॉर्ब कर ले, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम इस कंपनी के अंदर एक बार फिर से जान देना चाहते हैं, इस कंपनी को वापस से खड़े करना चाहते हैं। तो इस कंपनी को खड़ा करने के लिए हमें आपके मदद की जरूरत है, ऐसा मोटिवेशनल स्पीक मारने का। शेयर होल्डर बोलेगा हाँ हम आपके साथ है, तो हमें क्या करना है बताओ? तो हम बोलेंगे हमको बाउंस बैक करने के लिए आपकी मदद चाहिए। बोले आप बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? हमें आपका साथ चाहिए। तो साथ कैसे देना है? आपके जो 100 रुपए के शेयर है हम उसकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं। मतलब पहले अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा होगा ना, तो आज के बाद आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए हो गई। मतलब पहले आपने कंपनी को 100 रुपए दिया था, आप कंपनी आपको 10 रुपए देगी।
मतलब 90 रुपए की वैल्यू क्या होगी कम, मतलब पहले आप कंपनी से कितना मांगने वाले थे 100 रुपया, अब आप कंपनी से कितना मांग सकते हो 10 रुपया। अब तुम लोग क्या बोलोगे, कंपनी वैसे ही लॉस में, लेकिन मुझे मालूम है अगर ये कंपनी वापस से खड़ी हो गई तो ये 10 का 20 भी कर सकती है, 20 का 30 भी कर सकती है, यानी कंपनी लिक्विडेट करेगी, बोनस देगी, इश्यू करेगी, स्प्लिट करेगी, डिविडेंड देगी, कंपनी के अंदर जान आने के, तो कुछ भी कर सकता है। तो आपने कंपनी को मदद किया, वैसे भी 100 रुपया नहीं मिलना, कंपनी अगर बंद करना पड़े तो 100 रुपया मिलने वाला नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने बोला ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी के ओल्ड शेयर होल्डर्स, यानी आप लोग क्या हो ओल्ड, हम आपकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिड्यूस्ड, उसको बोलते हैं रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो राइट्स में क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन या अल्टरेशन इन राइट्स, अल्टरेशन। अल्टरेशन इन राइट्स, अल्टरेशन का इन राइट्स का मतलब क्या, शेयर के आपके अधिकारों को कम कर रहे हैं, पहले 100 रुपए आप मांग रहे थे, आज के बाद आप मुझसे कितना मांगोगे, सिर्फ 10 रुपए मांगोगे, सिंपल, आपके अधिकारों को हमने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, अंडरस्टूड इतना। अच्छा चलो, पहले आप कितना मांग रहे थे 100, आज कितना मांगोगे 10, तो इसका मतलब हमारे लिए फायदा कि नुकसान है, हमारे लिए हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले मुझे आपको 100 रुपया देना था, आज क्या 10 देना है, तो मुझे कितना है 90 रुपए का फायदा, प्रॉफिट है मुझे 90 रुपए का, क्या है फायदा, सिंपल। अब चेंजेस इन राइट्स करते समय, चेंजेस इन राइट्स करते समय हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कैपिटल रिडक्शन, क्या होगा कैपिटल रिडक्शन, क्या करेंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले शेयर होल्डर का बात कर लिया हम लोगों ने, दूसरा, दूसरे लोग होते हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिबेंचर होल्डर्स, कौन डिबेंचर होल्डर, हु इज डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर वो बंदा होता है जो हमारी कंपनी में पैसा देता है, बदले में डिबेंचर्स लेता है, और बदले में हम उसे क्या देते हैं, हर साल इंटरेस्ट, क्या पे करते हैं इंटरेस्ट। अब दूसरा मीटिंग, तुम लोग ने राजी होगा, अभी तुम लोग गए, तुम्हारी जगह पे डिबेंचर होल्डर आएंगे, डिबेंचर होल्डर वाले को मैंने वापस सेम मोटिवेशनल स्पीकर दिया, सब कुछ दिया, और कंपनी वाले ने बोला अभी ठीक है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो हम बोलेंगे आप हमारी कंपनी में पहले जितना पैसा मांग रहे थे ना, हम उसका आधा ही दे सकते हैं आपको, 10% दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं, 30%, जो हमको लाइक है हम उतना दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको हमें ब्याज भी देना, वो ब्याज में भी हमको थोड़ा सा सहूलियत दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कंपनी का साथ देने के लिए वो कन्विंस भी हो जाएंगे, तो डिबेंचर होल्डर भी क्या हो गया, कन्विंस हो जाएगा, सिंपल। तीसरा किसे मनाना है, तीसरा हमें मनाना है हमारे आउटसाइडर्स लायबिलिटी को, किसको मनाना है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। सर ये आउटसाइडर लायबिलिटीज कौन होते हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्योंकि इन्हें पैसा देना है ना, पैसा लेना नहीं है, हम मनाएंगे किसको, देख भाई मेरे को शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो मैं पैसा कम करूंगा क्या, नहीं भाई पैसा देने का है ना, तुम दो मुझे पूरा पैसा, लेकिन जहां जहां पे मुझे पैसा देना है वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा भाई मेरे को थोड़ा कम कर दो पैसा, लायबिलिटी में मेरी कम करने की कोशिश करूंगा, मैं जोरॉक्स वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई तेरा बिल कितना हुआ, 10,000 हुआ, भाई मेरे पास 10,000 रुपया नहीं है, मेरे से 4,000 ले ले, तो मैं लायबिलिटी क्या करूंगा, कम करूंगा, तो मैं शेयर होल्डर मेरे लिए क्या लायबिलिटी है, कैपिटल, शेयर कैपिटल लायबिलिटी में आता, तो मेरे लिए लायबिलिटी हुआ, डिबेंचर मेरे लिए लायबिलिटी हुआ, आउटसाइडर लायबिलिटी मेरे लिए लायबिलिटी, तो मैं अपनी लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करूंगा, पहला चीज लायबिलिटी को मैं कम करूंगा तो मेरे लिए क्या है फायदा है। मैं क्रेडिटर को मनाऊंगा, क्रेडिटर को बोलूंगा भाई तेरा कितना पैसा बाकी है, तो क्रेडिटर बोलेगा आपका 1,00,000 रुपया आप मुझे दो, बोला भाई 1,00,000 रुपया भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा 1,00,000 तो नहीं दे सकता, तो बोला एक काम कर अब भी मेरे को 40,000 दे, 60,000 छोड़ने के लिए रेडी, लेकिन तुरंत दे, तो 60,000 अगर 40 अभी तुरंत देना पड़ा तो मुझे फायदा ही है ना, है ना, तो मैं तुरंत दे दूंगा, कोई होगा अरे 40,000 भी नहीं, एक काम कर तुझे मुझे 1,00,000 देना है, अब भी 20,000 दे और 1 महीने के बाद मुझे 40,000 देना, अगर तू अभी 20,000 और 1 महीने बाद 40,000 दे रहा है तो मैं अपना 40,000 छोड़ने के लिए तैयार हूं,
मैंने उसकी कंडीशन मान ली, मैंने अभी तुरंत 20,000 निकाला, टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देके अगली बार अगले महीने कितना दूंगा 40, और बाकी का 40,000 छोड़ दे, मेरे लिए तो फायदा ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आउटसाइडर लाइबिलिटीज को मनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तीन तरीके से राइट्स में कम कर, राइट्स का मतलब होता है पहले ये जितना मांग रहे थे ना अब उतना नहीं मांगेंगे, उससे कम मांगेंगे, कुछ उनकी मर्जी से कुछ मेरी मर्जी से। मैं बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले को बोला भाई हमारी कंपनी लॉस में है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो लोन वाला बोला सेटलमेंट करो। तो सेटलमेंट के टाइम उसने बोला ठीक है आप एक काम करो 40% आप भी दे दो, 40% 2 महीने में दे देना, तो हम लोग 20% आपका माफ करने के लिए रेडी है। तो बोला ठीक है 40% भी ले लो, 40% 2 महीने बाद, 20% छोड़ रहा है ना, वो 20% क्या होगा मेरे लिए फायदा। तो मैं क्या कर रहा हूँ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी में एडजस्ट कर रहा हूँ। ये सारी की सारी क्या थी, मेरी लाइबिलिटीज थी, क्या थी लाइबिलिटीज। अब आता हूं असेट की साइड पे, असेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा या नुकसान, असेट को बेचूंगा, जो असेट खराब है उसको बेच दूंगा, तो बेचने का फायदा क्या है, पैसा आएगा। जो असेट की वैल्यू बढ़नी चाहिए बढ़ाऊंगा, जिस असेट की वैल्यू कम होनी चाहिए उसको कम करूंगा, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, सारी चीजें मुझे एडजस्ट करना है। मैंने मेरी बैलेंस शीट में देखा कि मैंने क्या बताया, मेरी कंपनी के अंदर इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट बढ़ गए, मेरे कंपनी में लॉस बढ़ गए, अरे मैं कंपनी के अंदर नई जान झोंक रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे लॉस को कवर निकालना पड़ेगा, तो लॉस को कैंसिल करूंगा, मेरे इंटेंजिबल एसेट को कैंसिल करूंगा, मेरे फिक्टिशियस एसेट को कैंसिल करूंगा। अभी तुम लोग बोले सर इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, लोगो, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स, ये मेरे क्या गुड, ये सब क्या मेरा इंटेंजिबल। अब देखो कंपनी को पिछले 12 सालों से लगातार लॉस हो रहा है, 12 सालों से कंपनी को क्या हो रहा है लॉस। और चलो एक तुमको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, कुछ मगनमारी मत करो, एक कंपनी है रिलायंस, एक कंपनी है टाटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिलायंस मॉल बिक रहा है, मान लो रिलायंस को पिछले 12 सालों से लॉस हो रहा है और रिलायंस 12 सालों से लॉस में रहा, टाटा ने बोला रिलायंस में खरीदूंगा, तो टाटा वाले ने रिलायंस से मुलाकात की और रिलायंस वाले ने बोला पूरा मॉल वगैरह माल वगैरह के साथ एम्प्लॉय के साथ मैं पूरा देखो 18,000 करोड़ में बेच रहा हूं, कितने में 18,000 करोड़, पूरा प्रीमाइसेस वगैरह सब कुछ मिला के वैल्यूएशन करने के बाद टाटा ने बोला एक मिनट तेरा बैलेंस शीट दिखा। ठीक है बैलेंस शीट देखा, उसने देखा कि अरे यार इसके अंदर जो गुडविल है ना, बोलते गुडविल का तू 1,000 करोड़ मांग रहा है, गुडविल मतलब रेपुटेशन, रिलायंस का रेपुटेशन, अब तू कंपनी बेचे तो तेरा काय का रेपुटेशन बे, सिंपल गुडविल। हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉस मेकिंग कंपनी का काय का गुडविल, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ, समझा। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग असेट शुड बी राइट ऑफ इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो 5-6 आइटम्स देगा उसमें, 4-5 आइटम देगा उसमें से एक आइटम आपको इंटेंजिबल रहेगा, तो वो इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, लोगो, ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है राइट ऑफ करना है, क्या करना है राइट ऑफ। क्यों किया जाता है भाई, लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसको प्रॉफिट पे कन्वर्ट करने के लिए जितने भी लॉसेस थे, जितने इंटेंजिबल थे, जितने भी फिक्टिव, सबको क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करना पड़ेगा, समझा। तो ये सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्लियर, इसमें किसी को डिफिकल्टी। नाउ कम टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि भाई हर जगह पर ये अकाउंट आने वाला है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। माय डियर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिडक्शन, सबसे पहले कोई है मुझे बताएगा कैपिटल रिडक्शन कौन सा अकाउंट होता है। आज तक पूरे जिंदगी में आपने अकाउंट सीखा, उस अकाउंट्स में आपने कितने तरीके के अकाउंट्स देखे, तीन, कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके अलावा चौथा कभी बना नहीं, ना बनेगा, ना अब बनेगा तो तब का तब सोचा जाएगा, फिलहाल तो तीन है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो कैपिटल रिडक्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट, पूछ सकता है, पूछा भी था पिछले साल वालों को, पूछा तो जाए, केटी वगैरह का पेपर हुआ था ना 1920, उसमें पूछा था कैपिटल रिडक्शन इज अ डैश अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ द अबव, तो नॉमिनल अकाउंट, अंडरस्टूड।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ठीक है, अब जब भी मुझे फायदा होगा मैं क्या करूंगा, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करूंगा. जब भी मुझे लॉस होगा मैं कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करूंगा. जब भी मुझे खर्चा करना होगा मैं कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करूंगा. जब भी मुझे इनकम आएगा, पैसा आएगा, मैं कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करूंगा. सिंपल चीज. चलो लाइन बाय लाइन आते हैं. अभी सबसे पहले क्या करने का, कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले स्टेप होगा, स्टेप नंबर वन ठीक है, राइट ऑफ ऑल फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल असेट्स. क्या बोला बेटा, सबसे पहले क्या करने का, जितने भी फिक्टिशियस और इंटेंजिबल असेट्स है उसको राइट ऑफ करने का. ठीक है, राइट ऑफ मतलब कैंसल करने का. तो मुझे बताओ ये सारे के सारे असेट्स डेबिट में होंगे या क्रेडिट में होंगे. इन शॉर्ट बोला जाए तो बैलेंस शीट में होंगे. बैलेंस शीट में असेट में होगा कि लायबिलिटी में होंगे. असेट मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस है तो उसको इन्वर्ट करते समय क्या होगा, क्रेडिट. क्या हो जाएगा, क्रेडिट. तो जैसे टू गुडविल अकाउंट टू ट्रेडमार्क, सुना होगा ट्रेडमार्क, लोगो, पेटेंट्स, ये सब सुना है ना. इस तरीके के आगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ये सारे क्या है अपने इंटेंजिबल असेट्स. फिक्टिशियस में क्या आएगा, शेयर इश्यू एक्सपेंस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड ऑल. उसके अलावा कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस. ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको कहाँ मिलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट में मिलेगा. कहाँ मिलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट में, वो भी कौन से साइड, असेट साइड. लॉस हो रहा है इसलिए तो असेट में डाले. अच्छा मैंने क्या बताया, ये सारे असेट्स को हम लोगों ने कम कर दिया. ये सारे असेट्स पहले बैलेंस शीट का हिस्सा थे, अब ये बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है. तो फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान बोलो, पहले बताओ, वापस बता रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहला चीज गुडविल असेट में था, ट्रेडमार्क, लोगो, पेटेंट्स, शेयर इशू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मेरे असेट में थे. ये सब की वजह से मेरी बैलेंस शीट हैवी हो गई थी, बढ़ गई थी. अब ये सब की वजह से बैलेंस शीट क्या हो रही है, कम हो रही है. तो लॉस हो गया ना मेरे लिए. तो लॉस हो गया तो क्या लिखूंगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ऐसा समझ में आ रहा है क्या नहीं रहा. मेरे पास 10 लाख रुपए का गुडविल था, आज के बाद गुडविल का 1 रुपया नहीं मिलने वाला है. लॉस, पहले मेरे लोगो बनाता था तो मेरा जीवन ज्योति का लोगो था, LIC का लोगो था, वो लोगो देख के लोग पहचानते थे कि अरे ये एयरटेल की कंपनी है, LIC की कंपनी है, ये रिलायंस की कंपनी है, टाटा की कंपनी है. अब वो लोगो का ही वैल्यू नहीं है. क्या हो गया, लॉस. तो लॉस हो गया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. अंडरस्टूड. पहले क्या करने का, जितने भी बैलेंस शीट के अंदर इनटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस उसको राइट ऑफ करने का. सेकंड स्टेप स्टेप नंबर टू, रिडक्शन ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डर. अब क्या करा है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं. मानो मैंने क्या बताया, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए कर रहे हैं, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए कर रहे हैं. तो लिखते समय कैसे लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं फिलहाल. कैसे बोलोगे, सर हमने आपसे 100 रुपए का शेयर कैपिटल लिया, आज के बाद हम आपको 100 नहीं, आज के बाद हमको आपको 10 रुपए देंगे. तो हमारे पास फायदा कितना हुआ, 90 रुपीज. तो 90 रुपीज हमारा क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन. अरे समझा, समझ में आ रहा है, नहीं समझा वापस देखो. बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शेयर कैपिटल लिखा होगा, ये शेयर कैपिटल 100 रुपए लिखा है. क्रेडिट लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड. राइट ऑफ करना है, कम करना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, कम करनी है.
और इसके वाले को क्या करना है, कम करनी है। तो ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितना रुपया, 100 रुपया। कितना हो गया, 100। आज के बाद तो 100 रुपया मत दे, आज के बाद कितना दे, 90 रुपया दे, 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, 30 रुपया दे, जितना देना है उतना दे। तो वो वैल्यू इधर, तो पहले ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में फर्क आया, उसको बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन वैल्यू। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिडक्शन। याद रखने के लिए ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन, ऐसा याद रखने का। कभी भी याद रख, किसी भी असेट्स और किसी भी लाइबिलिटी को, किसी भी लाइबिलिटी को अगर रीवैल्यू करना है, किसी भी लाइबिलिटी को अगर रीवैल्यू करना है, किसी भी लाइबिलिटी को अगर रीवैल्यू करना है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन। क्या बोला, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल रिडक्शन, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन। जो डेबिट किया है ना डेबिट, वो ओल्ड वैल्यू। जो नीचे क्रेडिट बोला है ना टू लाइबिलिटीज, वो न्यू वैल्यू। दोनों में जो फर्क आया है उसको बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू रिडक्शन वैल्यू, समझा। ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू चेंज हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू चेंज हो गया। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू चेंज कर दिया, कम कर दिया। क्या एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। मैंने डिबेंचर की वैल्यू चेंज कर दी, एंट्री डिबेंचर का अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है ना, कैपिटल रिडक्शन। फिर मैंने क्रेडिटर की वैल्यू चेंज कर दी, क्रेडिटर बोलता था पहले 50,000 दो, मैं उसको मना बना के 20,000 में सेटल कर दिया। बोले यार बहुत बहुत 50 नहीं दे सकता मैं, 20,000 ही दे सकता हूँ। क्रेडिटर बोला ठीक है दे। क्रेडिटर 50 देना था तो ओल्ड वैल्यू 50,000, नई वैल्यू 20,000, बचा कितना 30, कैपिटल रिडक्शन। सिंपल, ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। वो बोला 20,000 कब दे रहा है, अभी दू, ले भाई कैश। तो शेयर कैपिटल सेंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो कैश अकाउंट। सिंपल, सेटलमेंट वगैरह भी उसी तरीके से एडजस्ट करना है। अरे अंडरस्टूड, वापस बोला। स्टेप नंबर 3, डिबेंचर वैल्यू देखो, डिबेंचर वैल्यू रीवैल्यूड। डिबेंचर को क्या कर हम लोग बेटा, रीवैल्यू। रीवैल्यू किया तो एंट्री क्या लिखोगे, डिबेंचर कैपिटल अकाउंट डेबिट या डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सिंपल, वो एंट्री ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन वैल्यू। सिंपल, अभी डिबेंचर वाला बोला ठीक है आपको कितना देने का, 1,00,000 देने का, एक काम करो मुझे 1,00,000 मत दो, मुझे 20,000 दो, लेकिन अभी का अभी दो। तो हमारा तो फायदा ही है ना, तो हम क्या करेंगे जहां पर अच्छा वो वैल्यू आगे कंटिन्यू हो रही है क्या। पहला चीज, कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपया लिया था, अब कंपनी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज। कंपनी ने बोला हम आपको 100 रुपया नहीं दे सकते, क्या करना है बोलो। डिबेंचर वाला बोला 80 रुपया दे दे, कंपनी ने बोला नहीं है। डिबेंचर ने बोला 50 रुपया दे दे, कंपनी ने बोला नहीं है। डिबेंचर ने बोला 30 रुपये से नीचे नहीं चाहिए मुझे, कंपनी ने बोला हाँ है। तो ठीक है, तो एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, 100 रुपया था, 30 में सेटल कर दिया, 70 रुपये अपने लिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 30 रुपये ना अगले महीने देता हूँ, अब भी दे, ऐसा होता ना डिबेंचर बोलेगा तुरंत दे। तो ये डिबेंचर जो लिख रहे हैं उधर लिखेंगे कैश बैंक। सिंपल, तुरंत पेमेंट कर दिया ना, तुरंत सेटलमेंट हो गया। तो वहां पर नया वैल्यू कब आएगा, जब वो आगे फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज उसकी जगह पर क्या आएगा, कैश बैंक। सिंपल, एक और कंडीशन बताता हूं, वो लाइबिलिटी में आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी में। सेंट्री क्रेडिटर बोला 70,000 रुपया, कितना, मैं क्रेडिटर को मिलने के लिए गया 70,000 रुपया, अरे सर बहुत हालत खराब है, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करा, आपसे मदद चाहिए। हाँ बोलो ना क्या मदद चाहिए, मैं आपको 70,000 नहीं दे सकता, तो मैं आपसे कंसेशन चाहता हूँ। तो उसने बोला एक काम करो, मैं आपको 10,000 रुपये का कंसेशन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आधा पैसा आप भी देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप कितने का कंसेशन दे रहे, 10,000।
तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फायदा कैपिटल रिडक्शन में। तो बचा कितना, 60,000, आधा पैसा ना कैश बैंक में डालूंगा 30,000, तो बाकी का आधा पैसा बाद में दूंगा, बाद में दूंगा मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सिंपल आया ना। ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट्स वगैरह देखने का, क्लियर, ज्यादा लोड नहीं देने का, याद रखो क्या एडजस्ट करे अपन, क्या करे एडजस्ट करे, रिवैल्यू करे, एडजस्ट और रिवैल्यू के टाइम पे सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी करे, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसका एडजस्टमेंट करते समय वो क्या हो जाएगा डेबिट, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, उसका एडजस्टमेंट करते समय क्या हो जाएगा वो डेबिट, डेबिट हुआ मतलब, डेबिट हुआ मतलब अब एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, कुछ भी डेबिट रहेगा, टू 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 टू, पहला तो कैपिटल रिडक्शन, दूसरा पैसा दे रहा है क्या, हाँ तो बैंक, नहीं दे रहा है तो सीधा वही अकाउंट वापस आ जाएगा, तो रिडक्शन वैल्यू के साथ, सिंपल है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना, आउटसाइडर लायबिलिटी को भी एडजस्ट करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी को भी एडजस्ट करना है, सिंपल। तो स्टेप नंबर 4 खाली नाम के लिए लिख देता हूं, आप लोग को याद रहेगा आउटसाइडर लायबिलिटी एडजस्ट करना है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी के लिए कैसे करना, आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आउटसाइडर लायबिलिटी, अब आउटसाइडर लायबिलिटी में सब आ गया बेटा, टू बैंक टू कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब याद रखने के लिए तुम लोग को लिख देता हूं, यहां पर क्या लिखोगे ओल्ड वैल्यू, यहां क्या लिखोगे न्यू वैल्यू, यहां पर क्या लिखोगे पेड वैल्यू, कितना पे किया, और यहां पर क्या आएगा रिडक्शन वैल्यू, कितना कम कर दिया, है ना। कुछ भी आने दे, ये टफ से टफ सामान है तो आराम से कर सकते हो तुम लोग, एक सम करो, एक दो सम कराऊंगा मैं तो आइडिया मिलेगा कैसे करना है, समझा। आउटसाइडर लायबिलिटी कैसे हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, मैं जो खर्चा मुझे नहीं करना होता ना वो भी करना पड़ता है, कंपनी बंद हो रही है, जान झोंकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ खर्चे होते हैं जिसको करना पड़ेगा। अभी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी, शेयरहोल्डर को बुलाया, डिबेंचर को बुलाया, क्रेडिटर को बुलाया, बिल्स पेपर को बुलाया, बैंक वाले को बुलाया, सबको बुलाया। अच्छा बुला के सिर्फ एसी का हवा खिला के छोड़ूंगा क्या, नहीं, उनको बुलाना मतलब ऐसा घर पे बुला सकते हैं क्या, नहीं, मीटिंग हॉल बुक करना पड़ेगा, खाना पीना नाश्ते का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बाटली में डालना है ना उनको, मनाना है ना, तो उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। तो इस किसी भी तरीके का रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस होगा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो बेटा उस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को हम लोग डालेंगे कैपिटल रिडक्शन। और मैंने आपको बताया कोई भी एक्सपेंस होगा वहां पे कहाँ डालना है, डेबिट, डेबिट मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे तकलीफ, नॉर्मली ये पूछता है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी कभी कभी क्या होता है, कंपनी को जैसे खर्चा करना पड़ा, कभी कभी फायदा भी होता है। इतना बुरा कंपनी की इतनी बुरी हालत देखने के बाद डिबेंचर होल्डर को तो चलो ठीक है, शेयर होल्डर सबको मना लिया, कंपनी का जो डायरेक्टर था ना वो बहुत इमोशनल हो गया, मैं इतना बोलते बोलते एकदम मोटिवेशन कर दिया, डिबेंचर होल्डर जो था अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इमोशनल हो गया, उसने बोला मैं कंपनी की मदद करना चाहता हूँ, ये कंपनी ने मुझे मेरे जिंदगी के 25 साल इस कंपनी को मैंने दिया है, मैं इस कंपनी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब क्या करोगे, मैं आपको 2,00,000 रुपया दूंगा, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बाद में मांगूंगी भी तो नहीं मांगूंगा, फायदा हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। चलो अगर बाद में मांगता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर लोन, सिंपल, मांगा तो लोन, नहीं मांगा तो कैपिटल रिडक्शन, सिंपल, समझा बेसिक कंडीशन को मैं कर रहा हूं। तो यहां पर स्टेप नंबर 6 में क्या हो गया, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वगैरह कुछ बोलते हैं ना, अनरिकॉर्डेड असेट या लाइबिलिटी का बेनिफिट रिकवर, रिकवर्ड मतलब मिला, पैसा मिला, अनरिकॉर्डेड ऐसा असेट जो दिखाई नहीं दिया, बेचा पैसा आया ना, तो पैसा आया तो क्या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तकलीफ है ना, इसके अलावा अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का तो एडजस्टमेंट मालूम ही है, वैल्यू अप्रिशिएट हुआ, वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, वैल्यू बढ़ गया फायदा है नुकसान। तो अभी इसके बाद स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू अप्रिशिएशन
या डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो पहले एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे हाँ ना, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो कैपिटल क्या लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज अकाउंट। अरे नहीं समझा, पहले 10 रुपया देना था। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना बजाज फाइनेंस के पास गया, उससे मैंने लोन लिया था। बजाज फाइनेंस वाले ने बोला लोन तो लौटा नहीं पा रहे हो, मतलब मेरे को कुछ मोहलत और चाहिए। तो उसने क्या बोला, ठीक है 2 महीने का टाइम और दूंगा, लेकिन आपने मुझसे 1 लाख का लोन लिया था, अब आपको 1,10,000 लौटाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? कोई होता है ना, हम लोग जाते हैं मन्नत करने, बोला ठीक है टाइम ज़्यादा दूंगा लेकिन ब्याज लगेगा, तो लायबिलिटी बढ़ गई। एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो लायबिलिटी, क्योंकि नुकसान है मेरे लिए, 10,000 देना पड़ रहा है लेकिन नुकसान है, तो एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो लायबिलिटीज, सिंपल। उसी तरीके से अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एंट्री क्या पास करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो एसेट्स। अरे हाँ है ना। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सॉरी डिक्रीज हो गई, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तकलीफ? नॉर्मली यही सारी चीजें आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज करने के बाद, ये सारी चीज करने के बाद कंपनी फिर से अपनी बोलते हैं ना पोजिशन में खड़ा हो जाता है, और खड़ा करने का मेन रीजन होता है एक अकाउंट जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन। समझा? हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ हमारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया, सबके पास गए, हर इंसान के पास गए, हर लायबिलिटी वाले के पास गए, शेयर कैपिटल को बोल के उसका उससे वैल्यू कम कराया, डिबेंचर को बोल के उसकी वैल्यू कम कराया, आउटसाइडर लायबिलिटी को बोल के उसकी वैल्यू कम कराया, क्रेडिटर को बोल के उसकी वैल्यू कम कराया, बिल्स पेबल को बोल के उसकी वैल्यू कम कराया, अडानी वाले का लाइट बिल बहुत फेंक रहा था उसको कन्विंस करके उससे लायबिलिटी कम करवाया, तो वैल्यू कम कराया ना, तो वैल्यू कम कराया तो हमारे लिए क्या हो गया, फायदा। अब मेरे पास जो असेट्स पड़े थे वो असेट कुछ काम के नहीं थे। देखा मैंने मेरे कंपनी में 15 मशीनरी है, लेकिन मैंने जब का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया तो पता है 10 मशीन तो सड़के बेच दिया या सड़ी पड़ी है, तो वैसे मशीन को रख के करूंगा क्या? सारे असेट्स को मैंने क्या किया, बेच दिया। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद मेरी कंपनी में अब कुछ हद तक जान आ सकती है। उस जान आए हुए अकाउंट को वो कहते हैं कैपिटल, उसकी मेन वजह होता है कैपिटल रिडक्शन, इसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और एट द लास्ट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को इज्जत देंगे। इज्जत देना मतलब उसके अकाउंट को टैली करेंगे अकाउंट, तो उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। उसका क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब वो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आया, कहाँ आया? डेबिट में, तो एंट्री लिखो के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। और अगर उसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। दैट्स इट। हाँ है ना। तब जाके हमारी कंपनी में क्या आएगी, थोड़ी सी जान आएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो बेसिक बेसिक चीजें है, लेकिन एक आध दो सम करने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमें हमारी कंपनी को फिर से खड़ा करना है। खड़ा करने के लिए हमें हमारी कंपनी के बैलेंस शीट में चेंजेस करनी होगी। तो कंपनी में दो चीजें, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दी होगी, एक तो कंपनी की बैलेंस शीट, दूसरा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा, शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हुई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, एसेट एप्रिशिएट, एसेट डेप्रिशिएट, फिक्टिस एसेट राइट ऑफ, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ, यही सारे आइटम्स वहां पर दिए होंगे। वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी कंपनी की एक नई बैलेंस शीट बनेगी। उस बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होगा कैपिटल रिडक्शन। उस कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करने के बाद आपको कैपिटल रिजर्व या गुडविल मिलेगा, और जब उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे नई वैल्यू के साथ, हम कहीं पर भी ओल्ड वैल्यू लिखने वाले नहीं है, कहां पर, नई बैलेंस शीट में।
नई बैलेंस शीट में एक नया नया वैल्यू आएगा, वो सारी नई वैल्यू उसको लिखने के बाद बैलेंस शीट टैली होगी और उस बैलेंस शीट की खासियत ये होगी, अब उस बैलेंस शीट को देख के कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेगा। ठीक है, कंपनी को पैसा लगेगा तो कंपनी शेयर बेचेगा, पैसा लेगा, ये सारी चीजें वहां पर भी चलने वाली है। मैं वो सारे आइटम्स को डिस्कस कर रहा हूँ जहां पर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी ने क्या एसेट बेचा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कंपनी को लग रहा है कंपनी ने बैंक लोन पे करना चाहिए तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो मुझे मालूम है, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ये नॉर्मल आइटम्स है। कोई कोई बोलेगा नहीं मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है, तो भाई तेरी तुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कोई बात नहीं, तेरी ओल्ड वैल्यू 10 लाख थी आज भी तेरी 10 लाख ही रहेगी। जिसको कॉम्प्रोमाइज करना वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, जिसने नहीं करना उसकी वैल्यू एज इट इज। जिसको लगता है कॉम्प्रोमाइजेशन के बदले में वो पैसा चाहिए तो पैसा भी देंगे, किसी को लगता है पैसा मिलना चाहिए तो पैसा लेंगे भी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमारी कंपनी के पूरी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी को कन्विंस करके उसकी लायबिलिटी कम करवानी है और असेट के अंदर जितने भी लॉसेस थे, जितने भी इंटेंजिबल थे, उसको राइट ऑफ करना है। उसके अलावा जो असेट्स हमारे पास बचे, मतलब मशीनरी बचे, उसका डेप्रिसिएशन कर सकते तो करो, नहीं कर सकते मत करो। स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी, डेटर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, डेटर की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, तो सारी चीजों को कन्विंस करना है। डेटर को बोलेंगे डेटर भाई, डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर को बोलेंगे भाई 50,000 रुपये तेरा बाकी देगा कब, नहीं है सर एक काम कर 40,000 दे, 10,000 माफ करता हूँ, तुरंत 40,000 देगा वो निकाल, 10,000 का बेनिफिट उसको मिल रहा था, हम लोग 40,000 निकलवा रहे ना कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बचा क्या, 10,000 का लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें करने के बाद हमारे अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन को टैली करना है और टैली करने के बाद हमारी नई बैलेंस शीट बनने वाली है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फायदा एक ही है कि कंपनी वापस से एक चांस चाहती है, वो किसी और कंपनी के साथ अमालगमेशन नहीं चाहती, वो किसी और कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहती, वो कंपनी अपने आप अपने पैरों पे फिर से खड़ी होना चाहती है। तो उस खड़ा होने के लिए उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स, ओनर्स, क्रिएटर्स सबसे वो मदद चाहता है, उसी मदद को, उसी प्रैक्टिकल चीजों को हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, और तब जाके कंपनी की एक नई बैलेंस शीट बनेगी जो कंपनी को ना तो लॉस मेकिंग दिखाएगी ना ही कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग दिखाएगी। अंडरस्टूड?